अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फिज़ान और आप देख रहे हैं तालीम टेक यूट्यूब चैनल। ये वीडियो में तकरीबन जिस टॉपिक पे अब मैं बात करने वाला हूँ, इस वीडियो में ये मैंने वीडियो इसी रिलेटेड वीडियो बनाई थी तकरीबन गुज़िश्ता 6-7 माह पहले, और मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि मैं दोबारा तब ये वीडियो बनाऊँगा जब मैं प्रैक्टिकली ये सारे चैप्टर को समझ जाऊँगा और इसको कैसे सॉर्ट आउट करवाना है लोगों को इससे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बंडल ऑफ पीपल जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। मैंने एक दोस्त हैं हमारे, उनके साथ मिलके इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। सोकपा की इनवैलिड मेंबरशिप्स के इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा किंगडम के अंदर जो हैं लोगों को दरपेश हैं, और काफ़ी लोग जो हैं वो इससे दो चार हैं। अच्छा, अब सोकपा की इनवैलिड मेंबरशिप के बाद जो है लोगों के कामाज नहीं लग रहे हैं और इशू आ रहे हैं उनको, उनकी फैमिलीज़ यहाँ पे हैं। हमने बंडल ऑफ क्लाइंट्स जो हैं उनके साथ ये सिलसिला स्टार्ट किया था, उनको मतलब माइग्रेशन करवाई थी हमने फ्रॉम सोकपा टू सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स, और अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद उन लोगों को प्रोफेशंस भी बताए गए हैं, सजेस्ट किए गए हैं प्रॉपर, जिनके ऊपर सऊदीइजेशन नहीं है और इस तरह के मामला। अच्छा, अब सोकपा से एससी की तरफ माइग्रेशन के दौरान हमने वो चीज़ों का ख्याल रखना है जो हम सोकपा में रह के नहीं कर सके, वो उसमें सर फहरिस्त जो ये है वो आपने उसमें ये चेक करना है कि आप एससी की मेंबरशिप लेने के बाद उसको परमानेंट हासिल कर सकते हैं। अगर तो आप नहीं कर सकते हैं देन यू डोंट हैव टू गो फॉर सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स, और अगर आप उसको हासिल कर सकते हैं देन यू शुड मूव ऑन टूअर्ड सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स यानी SCE। उससे होगा ये कि जैसे ही आप सोकपा की मेंबरशिप से माइग्रेशन करेंगे तो आपको बाद में प्रोफेशन भी अपना चेंज करना पड़ेगा। ये एक लेंथी प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस के साथ दो चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं कि अगर आपके पास SC की एक मेंबरशिप आ जाती है और आप एक अच्छा प्रोफेशन होल्ड करते हैं उसके साथ, तो आपकी फैमिली को कोई इशू नहीं होगा, आपको कोई इशू नहीं होगा। सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स इस चीज़ को मेक श्योर करेगा कि आप एक परमानेंट मेंबर बन जाते हैं, आपको शहादा इशू कर सकते हैं वो, बल्कि करके देते हैं वो, और प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन भी आ जाता है। इसके अलावा काफ़ी लेटर्स वगैरह इस तरह की जो कंप्लीट एक बंडल ऑफ जो चीज़ें देते हैं वो आपको एक कंप्लीट परमानेंट मेंबर के तौर पर दे दी जाती हैं। अब सवाल ये है कि प्रोफेशन कौन सा चूज़ करना चाहिए व्हेन वी आर माइग्रेटिंग फ्रॉम सोकपा टू सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स। इसमें देखें काफ़ी प्रोफेशंस जो हैं वो आते हैं जिसमें फ़नी अबनिया मराकब अबनिया मौजूद है, इसके अलावा फ़नी इत्तिसालात है, फ़नी शबकात हासिब है, और मैं मुबरमज हासिब अली का नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि आप एक परेशानी से निकल के दूसरी परेशानी में आप लोगों को नहीं डालना चाहता हूँ। तो मेरे वो भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं या वो बहनें जिनके प्रोफेशंस जो हैं वो अकाउंटेंट के हैं यानी कि मुहासबे आम के हैं, तो वो लोग इस वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए आसानी से माइग्रेट कर सकते हैं फ्रॉम सोकपा टू सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स। उससे आप लोगों को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर आपकी फैमिली यहाँ पे है तो उन लोगों को किसी किस्म की इन फ्यूचर परेशानी कम अज़ कम नहीं आएगी। दूसरा, SC के अंदर जाने के बाद अगर आप वाकई वो ऐसा प्रोफेशन ले लेते हैं जिसके लिए जिस प्रोफेशन के साथ साथ आपकी अपनी भी काफ़ी ज़्यादा वाबस्तगी है, यानी कि आप वो हुनर जानते हैं, वो प्रोफेशन से मुंसलिक भी हैं। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सोकपा के जो जितने भी लोगों के प्रोफेशंस हैं मोस्टली उन लोगों को या तो इस प्रोफेशन पे पाकिस्तान इंडिया से बुलाया गया होता है, या उन लोगों के मतलब जब कंपनियों के ट्रांसफ़र होते हैं तो वो इस प्रोफेशन के साथ ट्रांसफ़र ले लेती हैं। मैंने जो बेसिकली ऑब्ज़र्व किया है तो यहाँ पर मोस्टली लोगों के जो सोकपा के केसेस होते हैं उनमें मतलब 50-50 वाला सीन होता है कि यहाँ पर काफ़ी लोग वो काम ही नहीं कर रहे होते अकाउंटेंट का, लेकिन उनका प्रोफेशन मुहासबे आम का होता है। अब सोकपा जो है ये एक बॉडी है जो अकाउंटेंट्स के सारे मामलों को देख रही थी, जितने भी अकाउंटेंट्स सऊदी अरब में काम कर रहे हैं वो फॉरेन हैं, एक्सपैट्रिएट्स हैं या लोकल हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर बड़ी जो है ना एक स्ट्रिक्टनेस जो है की हुई है, और काफ़ी लोगों को इससे परेशानी से वो लोग जो है वो दो चार हैं। अब हम लोग जो ऑफ़र यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं उसमें हम आप सोकपा की मेंबरशिप के साथ हमने कुछ भी नहीं करना है, हम लोगों ने सिर्फ सिंपल आपकी मेंबरशिप की माइग्रेशन करनी है फ्रॉम सोकपा टू सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स। इसमें एक्सपर्ट्स जो हैं वो सारे मामलों को देखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग हम लोग प्रोवाइड करेंगे फॉर सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स, और आपके सारे मामला जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके इश्यूज़ जो हैं वो सॉल्यूशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे फ्रॉम सोकपा टू सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स। परमानेंट मेंबरशिप आपको मिलेगी, पेपर मिलेगा प्रोफेशन चेंज के लिए,
एंड आप अपना प्रोफेशन इजीली चेंज कर सकते हैं फ्रॉम योर कंपनी एंड यू कैन ऑल्सो विजिट लेबर ऑफिस फॉर दैट. और उसके बाद आप अपनी लाइफ हंसी खुशी गुजार सकते हैं जिस तरह पहले गुजार रहे थे. अब वीडियो बनाने का मकसद प्रॉपर ये होता है, कुछ लोग कहते हैं कि यार हम लोग लोगों से पैसे खा रहे हैं या कोई ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि सिंपल बात है, अगर आप किसी से पैसे लेके भी किसी को हेल्प आउट कर रहे हैं तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बुरी चीज़ है. कम अज़ कम हम उन लोगों से बेहतर हैं जो लोगों से पैसे लेके फ़ोन ऑफ कर देते हैं. हम लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं वो पेड हैं डेफिनेटली, लेकिन उन सर्विसेज से लोगों का भला भी हो रहा है. मुझे तो खैर बहुत खुशी होती है जब मैं किसी के काम आता हूँ, एंड अल्लाह का शुक्र है कि दुआएं करने वाले बहुत हैं. बाकी हेटर्स जो हैं वो आपको पता है कमेंट्स में काफ़ी गलीज़ बातें करते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं. शायद अल्लाह ताला उनका भी भला करे, शायद उनको हमें समझने में गलती हो जाती. मैं तो फिर भी किसी के ऊपर मैं किसी को बुली नहीं करूँगा, ना ही हरास करूँगा. मैं सिर्फ इतना चाहूँगा कि हम लोग बींग उम्मत एक दूसरे के काम आ सकते हैं तो हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए. बॉर्डर्स जो हैं वो फ़र्क करते हैं हमारे अंदर, लेकिन फ़र्क है नहीं. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. यू कैन लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एज वेल विद योर फ्रेंड्स. और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें. अल्लाह ने के बान पाकिस्तान जिंदाबाद, वाइंदाबाद. बाय.